नमस्कार, मैं श्रीमती हिम्मत कौर, राजकीय कन्या महाविद्यालय बूंदी से सहायक आचार्य हूँ। आज की कक्षा में हम थर्ड ईयर का एक फर्स्ट पेपर मानव विकास एवं पारिवारिक संबंध के का जो परिचय है वो जानेंगे। मानव विकास एवं पारिवारिक संबंध बालक के विकास को, उत्तरोत्तर विकास को, क्रमिक विकास को बताने वाला एक ही विषय है। यानी कि माँ के गर्भ में आते से ही शिशु का जो विकास है वो प्रारंभ हो जाता है और वो विकास वृद्धि दर वृद्धि बढ़ता जाता है और किस प्रकार से वो विकास होता चला जाता है, ये हम मानव विकास विषय के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसी तरह से जब माँ के गर्भ में बालक रहता है तो माँ को किस तरह का वातावरण दिया जाना चाहिए, किस तरह का पोषण उसको मिलना चाहिए, ये सारी जानकारी हम मानव विकास जो के अध्ययन के द्वारा जानते हैं। इसके अतिरिक्त शिशु के जन्म के पश्चात में जो वंशानुक्रम है वो तो कार्य करता ही है, साथ साथ उसको किस तरह का वातावरण मिलना चाहिए, ये सारी जानकारी भी हम मानव विकास विषय के अंतर्गत जानते हैं। वातावरण इस प्रकार का होना चाहिए शिशु के लिए, बालक के लिए, जो कि उसको उत्तरोत्तर वृद्धि में, विकास में सहायक हो, क्योंकि वृद्धि और विकास दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। विकास जब अच्छा होता है तो वृद्धि भी अच्छी होती है। वृद्धि और विकास इसीलिए एक दूसरे के पूरक कहे गए हैं। जैसे मैंने बताया आपको, माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तो वो अवस्था कहलाती है गर्भावस्था। तो गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक का जो विकास है वो मानव विकास है। और एक छोटी सी शाखा है जिसको किसी की शाखा है जो कि बाल विकास के नाम से जानी जाती है। तो मानव विकास या बाल विकास का जो अध्ययन है उसके अंतर्गत हमें जानना आवश्यक होता है कि किन किन अवस्थाओं से, किन किन विकास के अंतर्गत जो होता है एक शिशु मृत्यु पर्यंत तक लड़ता है या एक विकास से दूसरे विकास में जाता है। तो जो 30 दिन का शिशु होता है अपने जन्म के पश्चात 30 दिन का शिशु वो न्यूनेटल कहलाता है, और ये जो पीरियड होता है वो न्यूनेटल पीरियड के नाम से जाना जाता है या शैशवावस्था के नाम से जाना जाता है। 30 दिन के पश्चात यानी कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो शैशवावस्था कहलाती है। इसी तरह से 2 से 6 वर्ष तक की जो अवस्था है वो बाल्यावस्था कहलाती है, से पूर्व बाल्यावस्था के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की जो अवस्था है उसको उत्तर बाल्यावस्था के नाम से जाना जाता है। 12 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक की अवस्था पूर्व किशोरावस्था, और पूर्व किशोरावस्था के बाद में आती है 16 से 21 वर्ष तक की अवस्था जो कि उत्तर किशोरावस्था के नाम से जानी जाती है। उत्तर किशोरावस्था के बाद में आती है 21 से 40 वर्ष की अवस्था जो कि युवावस्था है, और युवावस्था के बाद में 40 से 60 वर्ष की अवस्था प्रौढ़ावस्था कहलाती है। एक विकास के बाद में दूसरा विकास क्रमिक दर क्रमिक चलता रहता है, यानी कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था के बाद में जो विकास है उत्तरोत्तर चलता रहता है, यानी एक अवस्था के बाद में दूसरी अवस्था का आना निश्चित होता है। यानी कि शैशवावस्था के बाद में बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद में किशोरावस्था, किशोरावस्था के पश्चात युवावस्था, और युवावस्था के बाद में प्रौढ़ावस्था। इस तरह से जो क्रमिक विकास है इसके अंतर्गत चलता रहता है और ये अनवरत चलता रहता है। बालक जब जन्म लेता है तो उसको किस तरह का वातावरण मिलता है, यह वातावरण अच्छा होना चाहिए। इस वातावरण में बालक खुश रहना चाहिए, ये अति आवश्यक होता है, क्योंकि यदि बालक खुश रहता है और उसको अपने अनुरूप वातावरण मिलता है या माता पिता बालक के अनुरूप उसको वातावरण प्रदान करते हैं तो उसका जो विकास है वो उत्तरोत्तर गति से अग्रसर होता रहता है। यदि बालक को अच्छा विकास मिलता है तो उसका जो संपूर्ण जीवन होता है उसमें व्यक्तित्व विकास भी अच्छा होता है। तो अच्छे व्यक्तित्व को बनाने के लिए, अच्छे व्यक्तित्व को बनाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। एक विकास से दूसरे विकास में जाने के लिए अच्छे विकास की आवश्यकता होती है, यानी आवश्यकताओं की, बालक की आवश्यकताओं की जो पूर्ति होती है वो आवश्यकता के अनुरूप की जानी चाहिए, तो उसका विकास भी जो होगा वो अच्छा ही होगा। इसके लिए माता जो है एक अहम भूमिका निभाती है, साथ में पिता, सगे संबंधी और भाई बहन भी एक अच्छी भूमिका निभाते हैं। यदि वातावरण अच्छा नहीं मिलता है तो विकास प्रभावित होना निश्चित होता है। जो वृद्धि और विकास होता है वो एक दूसरे का पूरक है। जैसे कि बालक का साइकिल चलाना, वृद्धि और विकास हम बोल रहे हैं कि एक दूसरे का पूरक है। जैसे यदि वृद्धि सुचारू रूप से चलती रहेगी तो जो विकास है या डेवलपमेंट है वो भी सुचारू रूप से चलता रहता है। इसलिए कहा गया है कि वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। यदि साइकिल चलाना बच्चा अपनी उम्र के अनुरूप सीख जाता है तो इसका मतलब ये है कि वृद्धि और विकास जो है वो सुचारू रूप से एक विकास के बाद में दूसरे विकास में आकर के बच्चा उस
विकास को प्राप्त कर रहा है और जो विकास है वो सुचारू रूप से चल रहा है। इसीलिए कहा गया है कि जो वृद्धि और विकास है एक दूसरे के पूरक हैं। इसी तरह से जो वातावरण और वंशानुक्रम है उच्चोत्तर विकास के लिए सहायक सिद्ध होते हैं, बच्चे के संपूर्ण प्रगति के लिए आवश्यक होते हैं। तो अच्छा और